आसाम के नीट एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि काउंसलिंग के लिए फॉर्म अवेलेबल हो गया है डीएमई आसाम के वेबसाइट पे। आज ही एक नोटिस आया है, नोटिस के हिसाब से कौन कौन से स्टूडेंट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का दो क्राइटेरिया है, एक तो नीट यूजी 2023 के जो आसाम के स्टेट मेरिट लिस्ट है उसमें अगर तुम्हारा रैंक 2000 से ऊपर है, 1 से 2000 के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि एमबीबीएस पीडीएस का जो 2017 वाला जो अमेंडमेंट रूल था उसके हिसाब से जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं सभी लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब ओबीसी, एसटी हिल्स, एसटी प्लेन्स या फिर एससी, जो स्टूडेंट्स 2000 के नीचे भी है वो लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वाला नोटिस के साथ एक फॉर्मेट भी आया है जो तुम्हें फिलअप करना पड़ेगा, और फिलअप करने के बाद तुमको ईमेल में भेजना पड़ेगा। ये वाला नोटिस और जो फॉर्मेट है वो मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तुम्हें वेबसाइट में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहीं से डाउनलोड कर लेना और प्रिंट आउट निकाल के फिलअप करना। फिलअप करने के बाद जो स्कैन कॉपी है वो तुम्हें मेल करना है। ईमेल एड्रेस नोट कर लेना, ईमेल एड्रेस है amcc.dme@gmail.com और सारे स्मॉल लेटर का। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 25 जुलाई टिल 5 PM, मतलब 25 जुलाई के 5 PM से पहले तुम्हें सेंड करना है ये वाला ईमेल। अब देखो फिलअप कैसे करोगे, इन शॉर्ट में बताता हूँ कि पहले नेम ऑफ द कैंडिडेट, उसके बाद पेरेंट्स, उसके बाद फादर्स नेम या मादर्स नेम या फिर कोई गार्जियन का नेम, उसके बाद नीट 2023 में जो तुम्हारा रोल नंबर था, उसके बाद ऑल इंडिया रैंक कितना था ये फिलअप करोगे, उसके बाद नीट में तुम्हारा स्कोर कितना आया है और आसाम के जो स्टेट रैंक है तुम्हारा वो लिख दोगे, उसके बाद नीट का तुम्हारा जो एग्ज़ाम सेंटर है उसका नाम लिखोगे, फिर तुम्हारा फुल एड्रेस दे देना, उसके बाद तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर देना जो कि एवरी टाइम अवेलेबल रहे, ईमेल आईडी वही देना जिस ईमेल से तुम ये वाला कॉपी सेंड करोगे, बस सिग्नेचर कर देना और अपना फुल नेम लिख देना और साइड में जिस दिन तुम फिलअप करोगे उस दिन का डेट लिख देना, बस हो जाएगा। और डीएमई के वेबसाइट पे और एक नोटिस आया था रिगार्डिंग ईडब्ल्यूएस का, लेकिन वो शायद अभी डिलीट हो गया है, पता नहीं, वो अगर आएगा तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो जल्दी जल्दी तुम लोग ये वाला नोटिस डाउनलोड करो और फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकालो, उसके बाद फिलअप करो और ईमेल में सेंड कर दो। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।